9 सितंबर को पर्वाधिराज पर्व का समापन हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह वार्षिक रथ यात्रा भी निकाली जा रही है। एटा के निधौली कला में भी 17 सितंबर को वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन किया गया। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की समापन अवसर पर श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर निधौली कला एटा में वार्षिक रथ यात्रा 17 सितंबर को निकाली गई, जिसकी शुरुआत बोली के माध्यम से हुई, जिसके बाद भक्तों ने श्री जी को रथ पर विराजमान कर सर्वप्रथम प्रभु की मंगल आरती की। कार्यक्रम में बैंड बाजे के साथ निकाली गई भव्य रथ यात्रा में भक्तों ने श्री जी को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। रथ यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंत्रोच्चारण के साथ कलशाभिषेक एवं शांति धारा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इस अवसर पर भक्तों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन निधौली कला एटा में जैन समाज द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा में श्री जी को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। नगर भ्रमण कराने के दौरान जैन समाज व अन्य जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने यात्रा का भरपूर आनंद लिया। रथ यात्रा समापन के पश्चात श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक कराया गया। अभिषेक के दौरान जैन समाज के उपस्थित लोगों ने जयकारों के साथ अपने मन का हर्ष व्यक्त किया। 17 तारीख को निधौली कला में वार्षिक रथ यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत बोलियों के साथ हुई। तत्पश्चात रथ यात्रा को नगर भ्रमण कराने के लिए ले आया गया। उसके बाद पांडुक शिला पर श्री जी का जलाभिषेक किया और जिसमें जैन जैनेतर सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। निधौली कला के जैन मंदिर में आयोजित हुए वार्षिक रथ यात्रा कार्यक्रम में निधौली जैन समाज का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। जैन फोकस के लिए एटा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।